के हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखा मेरे बच्चों संभाल के। हाजरीन, मैं हूं तरन्नुम अहमद और जश्न-ए-रेख्ता की एक और बहुत खूबसूरत महफिल में एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करती हूं। आप लोगों को यकीनन फिल्मों का वो दौर ज़रूर याद होगा जब एक एक नगमा ऐसा हुआ करता था गोया हमारे जज्बात की अक्कासी कर रहा हो। तो हम आपको उसी दौर में लेके चलेंगे जब फिल्मों में उर्दू और शायरी हुआ करती थी। तो उर्दू के सुरीले सफ़र की रुदात सुनिए मायानाज अदाकार और टीवी होस्ट अन्नू कपूर साहब से, जिन्हें उनके शानदार रेडियो शो सुहाना सफ़र के लिए दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अन्नू कपूर साहब के साथ एक और बहुत सीनियर एक्टर और थिएटर पर्सनालिटी जफर संजरी साहब हैं, जिनका ताल्लुक थिएटर मीडिया और एक्टिंग से बहुत रहा है और अन्नू कपूर साहब के साथ भी उनका बहुत पुराना रिश्ता है। उनके साथ ज़ेरे गुफ्तगू रहेंगी ऋचा अनिरुद्ध साहिबा, जो कि टीवी की मकबूल तरीन एंकर्स में मानी जाती हैं और इनका एक शो था जिंदगी लाइव, उसको बहुत मकबूलियत हासिल हुई है, आप सभी जानते होंगे। तो मैं अब दरख्वास्त करती हूँ ऋचा अनिरुद्ध साहिबा, अन्नू कपूर साहब और जफर संजरी साहब से कि वो आएँ और इस बज़्म का आगाज़ करें। शुक्रिया। आदाब, नमस्कार और उर्दू के इस जश्न में आप सबका इस्तकबाल। मेरा नाम ऋचा अनिरुद्ध है और जिस शख्सियत से आज हम सब रूबरू हो रहे हैं उनके बारे में कुछ कहने के ना तो मैं काबिल हूँ और ना ही मुझे लगता है इसकी ज़रूरत है, लेकिन आज की बातचीत मैं उस छोर से शुरू करना चाहूँगी जिस छोर पर इसे पिछले साल जश्न-ए-रेख्ता में छोड़ा गया था। आप में से कुछ लोग शायद उस समय आ रहे होंगे और रूमी जाफरी साहब ने जिक्र किया था पारसी थिएटर लैला मजनू का और अन्नू जी ने एक वादा किया था कि अगर जिंदा रहा तो अगले साल जश्न-ए-रेख्ता में लैला मजनू ज़रूर होगा। तो मुझे लगता है अब कोई वजह दिखती नहीं कि आज हम शुरुआत लैला मजनू से ही करें। सर खम है तेगे अबरुए दिलबर के सामने, गर्दन झुकी है यार के खंजर के सामने, हाजिर गुलाम बार गहे यार में है या जर्रा है एक महरे मुनव्वर के सामने। हुक्म हुआ है कि लैला मजनू के साथ शुरू किया जाए। गुजारिश। अराउंड 1895 में मुंशी दिल लखनवी ने पारसी थिएटर के लिए ये प्ले लिखा। पारसी थिएटर एक इस तरह का स्टाइल होता था थिएटर का जिसमें संवाद डायलॉग शायरी में बोले जाते थे। प्रोज नहीं होती थी, पोइट्री होती थी। पोइट्री में ही सवाल जवाब चलते थे और गाने होते थे। तो इस एक सीन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। लैला बिंत अमीर सरवर, लैला डॉटर ऑफ अमीर सरवर। अरब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और सदर्न स्टेट्स जो इंडिया की हैं उनमें इंडिविजुअल के नाम के साथ लास्ट नेम हो जाता है फैमिली का, जिसे अपन फैमिली नेम बोलते हैं, और बीच में आता है फादर का नाम। लड़की अगर शादीशुदा हो जाए तो हस्बैंड का नाम आता है। इसी तरह से सऊदी अरेबिया में लैला बिंत सरवर, लैला डॉटर ऑफ अमीर सरवर, उसी तरह से मजनू का नाम था कैस बिन आमरी, आमरी उनके फादर का नाम था।
तो लैला बिंत सरवर और मजनू बिंत आमरी की मुलाकात बहुत दिन से नहीं हुई, ये लेजेंडरी स्टोरी है, नजद की कहानी है दरअसल ये, इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस निज़ामी ने इसके ऊपर काफ़ी लिखा है, मुंशी दिल लखनवी ने बाकायदा एक पूरा प्ले बना दिया, बहुत दिन से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। तो और मजनू, मजनू का मतलब था दीवाना पागल, कैस नाम था उसका, जंगल जंगल दस्त जस्त भटक रहा है, मालूम नहीं है दीवानगी का ये आलम है। अब कैफियत और हाल किसी और मकाम पे पहुंच चुका है, किस तरह से दीदार हो, इसलिए लैला ने शहर में मुनादी करवा दी कि आए और लैला बिंत सरवर के दर पर आके खैरात लेके जाए। उम्मीद ये है कि वो फकीर जो मेरा प्यारा है, जिसके दीदार को मैं तरसती हूं, शायद फकीर बनके खैरात लेने ही चला आए। तो देखिए ये सीन है, इसको पारसी थिएटर में खैरात खाने का सीन बोलते हैं। जफर साहब कमेंट्री देते चलेंगे। फकीरों का गाना है हादर। तो लैला खैरात खाने वाले सीन में बैठी हैं और गधरा और सूफिया वो दोनों उनकी सहेलियां उनके आसपास खड़ी हैं और वो कहती हैं कि ये खैरात आप क्यों, हर आठवें दिन आप ये खैरात क्यों बांटती हैं फकीरों में? तो कहती है इसलिए कि हो सकता है शायद इन फकीरों के साथ ही मिलकर के मेरा मजनू यहाँ आ जाए और मुझे उसका दीदार हो जाए। और जैसे ही वो शेर पढ़ती हैं कि वो उसको मातम कदा कहती हैं कि ये तो एक तरह से मेरा मातम कदा है जब तक मेरा मजनू मुझे ना दिखाई दे, तो कहती हैं कि नज़र आ फूल खिलकर, नज़र आ फूल खिलकर गुंचाए उम्मीद हो जाए कि मेरे मातम कदे में मेरे मजनू ईद हो जाए। फकीर, फकीर एकदम एंट्री लेते हैं सब। खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, 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 खुश रहे तेरी नगरी। कहरवा, खुश रहवा, कहरवा, खुश, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी। माटी चुन चुन महल बनाया, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे बाबा, लोग कहें घर मेरा रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे बाबा, चिड़िया रैन बसेरा रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी। फकीर आकर के सिमट के एक तरफ कोने में बैठ जाते हैं खैरात खाने वाले सीन में और दूर कहीं से एक एक आवाज, एक हूक जैसे उठती है, वो आती है और लैला उस तरफ देखती है। वो आवाज क्या है सुनिए। दर पे खड़ा फकीर तेरे, दर पे खड़ा फकीर तेरे, ये सदा करे दे दे ज़कात हुस्न की, मौला भला
तो सांवरे कातिल जलवा दिखा दे, सांवरे कातिल जलवा दिखा दे, सांवरे कातिल जलवा दिखा दे, शरबत वसल का प्याला पिला दे, शरबत वसल का प्याला पिला दे, अहमद के सदके में दर्श दिखा दे, मुझसे मिला दे मेरा अल्लाह ही देगा, मेरा मौला ही देगा, अल्लाह ही देगा, मेरा मौला ही देगा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुदा का शुक्र है लैला तेरे दरबार में आए, खुदा का शुक्र है लैला तेरे दरबार में आए, खुदा मॉडर्न ऑडियंस को, मॉडर्न जो इंडिया है स्पेशली जो पिछले 25-30 साल में डेवलप हुआ है, उसको शायद इस तरह की उर्दू उसके कानों को आदत ना पड़े, लेकिन कहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अर्थ बताऊं। तेरा चेहरा मेरा किबला, तेरी किसे कहते हैं, हजरत बाबरी इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो काबे शरीफ पर पत्थर रखा था उसको किबला भी बोला, अल किबला। तो यहां जश्न रेख्ता में आप आए हैं, सो मैं सिर्फ चार फिल्मी गाने गा के चला जाऊं तो कोई बात नहीं, तो ये उर्दू जबान, ये हिंद की जबान है, मैं साइंटिफिक आदमी हूं, प्रूव कर दूंगा पूरी दुनिया में उर्दू जबान सिर्फ यही बोली जाती है और कहीं नहीं। तेरा चेहरा मेरा किबला, तेरी जुल्फें मेरा तवाफे तवाफे काबा करने को तेरी सरकार में आए, तवाफे काबा करने को तेरी सरकार में आए, तवाफे काबा करने को तेरी सरकार में आए, खुदा का
लैला ने देखा कि ये आवाज तो हो ना हो मेरे मजनू की ही है, और कोई हो ही नहीं सकता। लैला ने जरा सा अपना जो यहां से यहां तक उन्होंने नकाब ले रखा था, जरा सा उसे नीचे करके देखना चाहा तो मजनू की नजर पड़ी, और मजनू ने कहा कि तड़प के क्या कहा, जरा जरा मुलाहिदा फरमाइए। महमिल नीचे आया, नैनों की बर्छियां, अबरू की तलवारें, मिसगा के तीर कल्प में जाके लग गए मजनू के, और मजनू तड़प उठा और बोला, मेरा जर्फ देख कर तुम, मेरा जर्फ देख कर तुम जरा बिजलियां गिराना लैला, मेरा जर्फ देख कर तुम जरा बिजलियां गिराना, मेरा जर्फ देख, मेरा जर्फ देख कर जरा बिजलियां गिराना लैला, मेरा जर्फ देख कर तुम, मेरा जर्फ देख कर तुम जरा बिजलियां गिराना लैला, मेरा जर्फ देख कर सिंगल में उसी सिंगल उस बढ़ा लो इसको, मेरा जर्फ देख ताब हो जहां तक वहीं तक नकाब उठाना लैला, मुझे ताब हो जहां तक वहीं तक नकाब उठाना लैला, मेरा जर्फ देख वहीं तक नकाब उठाना लैला, मुझे ताब हो जहां तक मेरी दर्द बढ़ रहा है मेरे सामने ना आना लैला, अभी दर्द बढ़ रहा है मेरे सामने ना आना लैला, अभी दर्द बढ़ रहा है मेरे सामने ना आना लैला, अभी दर्द बढ़ रहा है ये अदा के जहां भी तुमने चाहा वहीं रुक गया जमाना लैला, के जहां भी तुमने चाहा वहीं रुक गया जमाना लैला, के जहां भी तुमने चाहा वहीं रुक गया जमाना लैला, के जहां भी तुमने चाहा सारे फकीर लैला 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 कर रहे हैं। तो गदरा और सूफिया जो थी उनकी सहेलियां लैला की, उन्होंने कहा कि एक बात बताइए लैला कि ये जो सब लैला लैला पुकार रहे हैं तो इसमें आपके असली मजनू की क्या पहचान है, ये तो सभी लैला लैला कह रहे हैं। तो लैला ने कहा कि जाओ प्याला ले जाओ, एक छुरी ले जाओ साथ में, इनसे कहो जो मेरे नाम से खून दे, बस समझ लो वही मेरा मजनू है। गदरा सूफिया प्याला छुरी लेकर आई, एक एक से पूछा, अब वो बहाने
तो फिर गदरा मजनू के पास गई और कहा कि मजनू भाई क्या तुम वाकई मजनू हो? तुम्हें मजनू से क्या काम है? हमारी लैला प्यारी ने खून मांगा है। वल्लाह लैला ने खून मांगा है उन सबके सामने। गर इशारा कर दे लैला अबरू खमदार से, गर इशारा कर दे लैला अबरू खमदार से, खून रग रग से निकालूं हर लहू की धार से। गर इशारा कर दे लैला अबरू खमदार से, खून रग रग से निकालूं हर लहू की धार से। काट लो गर्दन मेरी लाकर अभी तलवार से, लैला लैला नाम निकले हर लहू की धार से। मेरा एक पैगाम उनसे जाके कह देना। क्या पैगाम? कैसा पैगाम? उदू का मतलब होता है दुश्मन। मेरा एक पैगाम कह देना उनसे जाके, उनसे जाके तू ये कह दे कि सताया न करे, उनसे जाके, उनसे जाके तू ये कह दे कि सताया न करे। रूठ जाऊं मैं तो मुझे आके मनाया न करे, या तो खिलवत में मेरा बैठ के किस्सा सुन ले, या मुझे बज्मे उदू में वो बुलाया न करे। अब वो जो कासे के अंदर छुरी है, मजनू उसे उठाता है और कहता है कि जाके कह देना लैला से कि मांग जो चाहे मेरी जान ये सर तेरा है, मांग जो चाहे मेरी जान ये सर तेरा है, और दिल भी तेरा है मेरी जानो जिगर तेरा है, दिल भी तेरा है मेरी जानो जिगर तेरा है, दिल भी तेरा है मेरी जानो जिगर तेरा है, दिल भी तेरा है मेरी जानो जिगर तेरा है। तू है लैला की छुरी, तू है लैला की छुरी और मैं हूं गुलाम लैला, तू है लैला की छुरी और मैं हूं गुलाम लैला, आ तुझे दिल में बसा लूं के ये घर तेरा है, आ तुझे दिल में बसा लूं के ये घर तेरा है, आ तुझे दिल में बसा लूं के ये घर तेरा है, आ तुझे दिल में बसा लूं के ये घर तेरा है, आ तुझे दिल में बसा लूं के ये घर तेरा। और यहां पे वो खून निकालता है, खून कासे में गिरता है और मजनू बेहोश हो जाता है, मजनू गिर पड़ता है और सब फकीर डर के मारे जल्दी जल्दी खैरात लेकर के और खैरात खाने से रवाना हो जाते हैं। अब गदरा कहती है कि ए भाई फकीर मजनू, चल तू भी खैरात ले ले हमारी लैला से। तो मजनू अपना कासा लेकर लैला के पास जाता है और कहता है कि ए शहजादे, खैरात हुस्न की राह खुदा दे, खैरात हुस्न की राह खुदा दे। लैला कहती है तेरा सदका और तुझी को भीग दूं, जी में आता है ये कासा तोड़ दूं, और वो कासा जमीन पे मारती हैं, कासे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और कासे के टुकड़े होने के साथ ही साथ जैसे कि मजनू के दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और मजनू के कलेजे से एक आह निकलती है। तो जाते हैं तेरे कूचे से लैला खफा न हो, टुकड़े तो बीन लूं मैं
दिले पाश पाश के, कयामत में शायद किसी बेकस के काम आए। उठाने दीजिए दिले नाशाद के टुकड़े। क्या मिला लैला लैला, मुरादे दिल के टुकड़े कर दिए। ऐ सखी क्यों कासा ऐसा इल के टुकड़े कर दिए। ऐ सखी क्यों कासा ऐसा इल के टुकड़े कर दिए। रह गया लैला तेरा मजनू कलेजा थाम कर। रह गया लैला तेरा मजनू कलेजा थाम कर। तूने जब तेरे नजर से दिल के टुकड़े कर दिए। तूने जब तेरे नजर से दिल के टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े भी इंतहार कहता है दिल के टुकड़े मैं उन्हीं के हाथ से जुड़वाऊंगा। एक ये किस्सा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार चांद को एक इशारा करके उंगली का उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। चांद के भी दो टुकड़े हो गए थे। तो उसी मौजू पर मुर्शिदुल लखनवी ये फरमाते हैं, आप सुनिए क्या कह रहे हैं। दिल के टुकड़े मैं उन्हीं के हाथ से जुड़वाऊंगा। दिल के टुकड़े मैं उन्हीं के हाथ से जुड़वाऊंगा। दिल के टुकड़े मैं उन्हीं के हाथ से जुड़वाऊंगा। जिसने गर्दूं पर महे का दिल के टुकड़े उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े करके उन्हें जोड़ सकता है, वो इस कैस के दिल के टुकड़े जरूर जोड़ेगा। यहीं पर हम अपना इस खैरात खाने वाले सीन को यहीं पे हम कल्मिनेट करते हैं, क्योंकि हम लोग जब परफॉर्म करते थे जफर साहब और मेरा लॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस मुझे याद है सम टाइम इन 1973 मे बी 1972 or 73 वी स्टार्टेड अराउंड प्ले यही अराउंड 9:30 9:30 रात को स्टार्ट किया था और 8:30 सवेरे ख़त्म हुआ था। गरीब कलाकार थे, टेंटों में रहते थे। आप जैसे शायकीन लोग आते थे अप्रिशिएट करने वाले, वो नोट निकाल के देते थे। तो जो गाना आपने अभी 3 मिनट में सुना है आप नोट देते रहिए, वो 30 मिनट का हो जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप नोट भले ही ना दीजिए, मुझे लगता है तालियों की आवाज़ और ज़ोर से आनी चाहिए। अब हम दोनों इत्तेफाक से ये जो आपके सामने पेश किया गया, अब हम दोनों लास्ट हैं इस वसीयत को आप तक पहुंचाने वाले। अब कोई नहीं है, कोई नहीं है इस पूरे भारतवर्ष में, कोई नहीं है। तो ये आज हमने पहुंचा दिया। हम जब तक हैं तब तक तो ये इस तरह की उर्दू जो ड्रामों में इस्तेमाल की जाती थी वो चलती रहेगी। लैला मजनू की कहानियां और लैला मजनू की कंपोजिशन, ये कंपोजिशन जो मैंने आपको सुना रहा था ये 1895 की कंपोजिशन हैं, 1895 की कंपोजिशन हैं। ये कंपोजिशन भी याद नहीं है किसी को, डायलॉग बाजी तो क्या याद होगी। अनु जी, उर्दू के सुरीले सफ़र की बात करनी है हमें, फिल्मों में उर्दू की बात करनी है, लेकिन उससे पहले उर्दू के साथ आपके सफ़र की अगर बात शुरू करूं, बहुत कम उम्र में ये सफ़र की शुरुआत हुई और आपकी माँ की वजह से हुई, थोड़ा चाहेंगे उसके बारे में। देखिए, मैं शायद पिछले साल भी मैंने कहा था, पंजाबी फादर और बंगाली ब्राह्मण मदर। सो मेरे फादर ने, आपको बताना चाहूँगा कि उर्दू पनपी पली बढ़ी पंजाब में। पुराने पंजाबी जितने लोग हैं दिल्ली तो बड़े बैठे रहते थे,
वो उर्दू में ही लिखा करते थे। तो मैं शादी के बाद मेरे फादर ने उनको बहुत मोटिवेट किया, मुतासिर हो गई मेरी माँ कि उर्दू सीखी, पर्शियन सीखी, अरबिक सीखी और उसके बाद टीचिंग का काम करने लगी और राजस्थान में वो उर्दू लेक्चरर के रूप में ही वो रिटायर भी हुई। सो बचपन में आप ताज्जुब करेंगे कि जो कुछ आया है वो मेरी माँ से आया है, मेरी वालदा जिन्होंने मुझे जन्म दिया, आज नहीं है मेरे पास, मेरे साथ जहाँ पर भी हैं हमसे तो अच्छी हालत में होंगी। सो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ जो मज़हब है उनके बारे में जानकारी दी। सो मैं 8th-9th स्टैंडर्ड तक आते आते मैंने उनके कहने पर, उनके मोटिवेट करने के ऊपर वेद का अध्ययन किया, गीता अध्ययन किया, कुरान मजीद पढ़ा, तुरा पढ़ा, जुबूर पढ़ा, इंजील पढ़ी, धम्मपद पढ़ लिया और इन सारी चीज़ों का अर्थ आ गया। तो मेरी वालदा जो थी वो जितनी अच्छी उर्दू बोलती थी उतनी अच्छी फारसी भी बोलती थी, उतनी अच्छी अरबिक का वो सही जो तलफ्फुज़ है वो बिल्कुल माँ से आया है। कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में चलन था, क्योंकि पर्शिया से हमारा इन्फ्लुएंस रहा है इसलिए हम लोग खुदा हाफिज बोलते थे और कुरान मजीद में ये पर्शियन का वर्ड है, पर्शियन में गॉड को खुदा बोलते हैं लेकिन कुरान पाक में खुदा है ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं है वहाँ पे। 99 नाम है अल्लाह के लेकिन खुदा नाम नहीं है। सो अल्लाह जो है, जो कुल अल्लाह असद अल्लाह समद, तो वो उसका जो हलक से किस तरह से उसका तलफ्फुज निकलना चाहिए वो सब माँ की वजह से आया। ऐसा ही नहीं कि आपने कहीं पर भी उठा के कुछ भी, इस तरह की बात नहीं है। ज़बान आप बोलिए तो सही तरीके से बोलिए, वरना तो मज़दूरों की जो ज़बान होती है उसमें क्या है, खड़ेला है, गड़ेला है, पड़ेला है, क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी माँ गाती भी थी लेकिन आपने मौसीकी की कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है और मैं कहीं पढ़ रही थी आप कहते हैं कि मेरा कोई उस्ताद नहीं और सब उस्ताद हैं। जी, एक पर्टिकुलर कोई नहीं है लेकिन सही मानूं मैंने सबसे सीखा, आपसे भी सीख रहा हूं। मेरा ये मानना है कि अगर दिमाग और आंखें खुली रखी जाएं तो हर लम्हा सीखने का है। आप इल्म हासिल कर सकते हैं, आप दाना बन सकते हैं। सो मैंने सबसे सीखा, अभी भी सवेरे पार्क में जाता हूं तो सलामत अली नज़ाकत अली की बैरागी भैरो चलती रहती है, फिरदौस ताल में है वो, सुनता रहता हूँ। भाई मुझे तो कोई सिंगर नहीं बनना, सिंगर तो मेरे बाप भी नहीं थे भाई, मैं क्या हूँ। लेकिन सीखते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छी शायरी अच्छा लगता है। साहित्य लिटरेचर से आदमी की क्लास दौलत से नहीं बनती है, आदमी की क्लास उसके लिटरेचर से बनती है। वो कितना पढ़ता है, कितने अच्छे तखय्युल हैं उसके। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। अब इसकी मीमांसा जो है, इसकी जो डेप्थ है, इसकी गहराई में बात क्या है, वो जाननी जरूरी है। शेर तो बहुत सब लोग याद कर लेते हैं। हमारे जफर साहब ने, एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि देखिए एक रोमांटिक शेर सुना रहा हूं। भाई वो जरा रोमांटिक शेर सुनाइए, जरा देखिए रोमांटिक शेर सुनिए। आज ही सवेरे नोट किया इनके एक दोस्त आए, कहले मियां रोमांटिक शेर सुनो। हाँ हाँ, ये है, ये ले। रोमांटिक शेर मुझे याद नहीं रहते ना ज्यादा, इसलिए इनके दोस्त ने कहा कि जफर भाई जरा रोमांटिक शेर सुनिएगा, देखिए। और अच्छा है कि मैंने आज सवेर जब एयरपोर्ट से, मैंने कहा भाई ये आप भूल जाएंगे, आप बराए मेहरबानी मुझे, मैंने नोट कर लिया इसको, देखिए। कहने लगे साहब सुनिए एक रोमांटिक शेर सुना रहा हूँ। मैंने कहा सुनाइए। कहते हैं कि मुझसे टेढ़ा सवाल ना हो जाए कहीं, ये रोमांटिक शेर, मुझसे टेढ़ा सवाल ना हो जाए कहीं। तो वो बड़े मतलब हैं, वो क्या कहते हैं कि दबंग,
मुझसे टेढ़ा सवाल ना हो जाए कहीं और इसी बात पे बवाल ना हो जाए कहीं। ये रोमांटिक शेर है, ये रोमांटिक समझे ही नहीं आप, मतलब ही नहीं समझे उस शेर का। सो मेरा कहने का मतलब है, आप सब उस्ताद हैं, आप सब गुरु हैं, आप सबसे सीखना है कि भाई ये भी तो एक तालीम है ना, ऑडियंस कितनी देर तक आपको झेल पाती है ये भी तो एक बहुत बड़ी तालीम है। चलिए अब सुरीले सफर पर हम आ जाते हैं। आपके अपने अजीज, वो नगमे, वो गीत जहां आपको लगा हो कि सुर तो अच्छे हैं ही लेकिन उर्दू के अल्फाज ने कुछ ज्यादा ही जादू डाल दिया उनमें, सुनना चाहेंगे आपसे ऐसे नगमे? देखिए जहां तक अगर गायकी की बात पूछ रही है, गायकी का और जो पढ़ा जा रहा है लफ्जों में मौसिकी के से अदा किया जा रहा है, गजल की बात तो भाई बगैर किसी हीले हुज्जत के द वन एंड ओनली, वैसे तो मेरे हिसाब से आप सब वन एंड ओनली हैं, यकीन मानिएगा, ऊपर वाले की फैक्ट्री से निकले हुए हम लोग वाहिद पीस हैं, मैं सच बोल रहा हूं, इसलिए कहले द वन एंड ओनली, ना 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 ना, दुनिया में आपकी शक्ल के जैसा कोई मिल जाएगा, आपकी आवाज जैसा मिल जाएगा, बिल्कुल शक्ल आवाज बिल्कुल है लेकिन आप नहीं मिलेंगे। तो ऊपर वाले की फैक्ट्री से निकले हुए आप सोलो सिंगल पीस हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, और आपको अगर यह एहसास हो जाए कि आप सोलो पीस हैं और उसी सोलो पीस को पूरी तरह से खिलना है, तो हर आदमी के अंदर एक कमाल का चमत्कार छुपा हुआ है। दिस इज माई बिलीफ और दिस मैंने अपना रियलाइज किया है। इसीलिए गुलाब के फूल से कभी ना कहना कि वो चमेली का फूल हो जाए, गुलाब के फूल की अपनी खासियत है और चमेली का फूल की अपनी है। चमेली का फूल तो चमेली होके पूरी तरह से खिल जाए और महकाता रहे। बहिश्त यहीं पर है, फिरदौस यहीं पर है, सजदों के एवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, सजदों के एवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। जी आपने पूछा फिल्म का, थोड़ा सा लाइट मूड के, 2017 की ऑडियंस है, जबकि बचपन में मैंने हमारी माँ की वजह से बहुत सारे मुशायरे, और वो ज़माना बिल्कुल अलग था, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इस दिल्ली, ये दिल्ली कमाल की जगह है, हमेशा से कमाल की रही है, दिल्ली घराने का तबला बाज यहीं का है भाई, दिल्ली घराने की पोइट्री, वो गालिब हों, मोमिन हों, शौक हों, दाग हों, सब दिल्ली घराने के हैं। दिल्ली बहुत बार लुटी है और लुटेगी जब तक हिंदुस्तानियों के एमाल ठीक नहीं होंगे। दिल्ली कई बार लुटी, एक बार जब लुट गई तो मीर तकीमीर पहुंच गए लखनऊ, मुशायरा चल रहा था, बहुत फेमस किस्सा है, मुशायरा चल रहा था, वहां जाके बैठ गए तो दिल्ली वालों की वो कुल्ला और वो बाकायदा जो कमीज और सलवार के साथ, लोग उनकी पैरहन को देख के, कपड़ों को देख के हंसने लगे। जब शमा उनके सामने आई तो किसी ने पूछा हुजूर इसमें शरीफ कौन है आप, तो फिलबदी वहां पर मीर ने जो शेर कहा था वो दिल्ली के लिए कहा था, कैसे परिचय देगा उस्ताद। मीर ने जब उनसे पूछा गया भाई आप कौन हैं, तो मीर ने जवाब दिया कि क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, लखनऊ पूरब में है ना अपने, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखबी जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। ये होता है, ये होती है शायरी, उस्तादों की शायरी, उस्तादों के साथ
बड़े लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों की सोहबत करो, उनके छींटे भी पड़ गए ना तो आप ग्रेट बन जाओगे। लेकिन आप बैठते तो टपोरियों के साथ हो, तो फिर कहां से होगी क्लास? क्लास तो नहीं हो सकती। अच्छा, आप क्लास बताने की जब कोशिश करेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे आप। अभी एक गाना आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, इसमें पोटेंशियल नहीं है, सुनिएगा। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी बच करके, टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी कैच किया रे, क्रिकेट के बॉल सा कभी छोड़ दिया। इसमें पोटेंशियल नहीं है, इस गाने में पोटेंशियल नहीं है। ये क्या बोलती तू, पोटेंशियल नहीं है, झूठा झूठा नहीं है, सही है। क्या मैं बोलूं, सुन सुना आदि क्या खंडाला, समझ में आ रहा है भाई, क्या करूं आगे में खंडाला, अरे खाएंगे पिएंगे नचेंगे मचेंगे और करेंगे और क्या। आ ए क्या बोलती तू, ए यहां ईमानदारी है, ईमानदारी है, ईमानदारी, ईमानदारी जब चली जाती है तो आप सोचते हैं कि साहब मैंने उर्दू के एक तीन चार वर्ड इस्तेमाल करके लो जी मैं शायरों की कैटेगरी में आके खड़ा हो गया। इन ऐसे खतरनाक लोगों से बचिएगा। इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल जो टेररिज्म है ना, उससे बचिएगा आप लोग। अरे ये बहुत अच्छा गाना है, सुनिए। अरे दिल पे रख के पत्थर मैंने मेकअप कर लिया, दिल पे रख के पत्थर मैंने मेकअप कर लिया, अरे मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, अरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, अरे दिल पे रख के पत्थर मैंने मेकअप कर लिया, ओ दिल पे रख के पत्थर मैंने मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये आदमी आपके लिए खतरनाक नहीं है, ये आदमी खतरनाक नहीं है, खतरनाक है जहनसी, जहनसी तुझे चाहूं बेतहाशा जहनसी। इसको कहीं से पता पड़ गया कि एक जहनसीब नाम का वर्ड है। सुनो, जह किस्मत या जह नसीब, हिंदी में सुन लो, अगर हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश भी बोल लूंगा, चाइनीज में भी सुना दूंगा। जह नसीब का मतलब होता है मैं भाग्यशाली हूं, जह किस्मत का मतलब है मेरी किस्मत, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके दर्शन हुए। अब यह कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपको मेरे दर्शन हुए, ऐसे थोड़ा होता भाई। So, ये जो प्रिटेंड करने वाले हैं उनसे उनसे बच के रहना। आज जश्ने रेख्ता में आप आए हैं, आपकी क्लास है, तो इस क्लास के बारे में जानते हुए वो जो शोहदागिरी करने वाले हैं उनसे भी खतर खबरदार, समझे आप। अब आपने जो सवाल पूछा, देखिए मैं बैठने वाला, मैं तो मजदूर आदमी हूं, मैंने भी बोला सजदों के एवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूं बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। क्या बात तो है? बैठे बैठे तो काम कर नहीं सकते, वो बैठने वाले जो होते हैं वो 200 400 500 करोड़ वाले होते हैं, अगर मैं बैठ जाऊंगा छोटे छोटे चार बच्चे उनका क्या होगा। अच्छा, और फिर आप जैसे शायकीन लोगों के सामने आके कुछ दिल के और तखयुल भड़ास वलवले इसलिए निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, घर में हिंदी उर्दू से कोई मतलब नहीं, अमेरिकन बीवी है, समझे आप, बच्चे अमेरिकन हैं, जिस दिन अपन टपके उस दिन वो गए, यहां पे नहीं रुकने वाले, सॉरी, उनकी तालीम और तरबियत पैदाइश सब वहां की है भाई। सो धीरे धीरे 25 साल में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
समझाते हैं थोड़ा, मैं थोपना नहीं चाहता. मेरी वाइफ ने एक दिन पूछा कि यू हैव नेवर इम्पोज्ड दैट आई वी मस्ट स्पीक इंग्लिश, वी मस्ट हिंदी एंड उर्दू. यू हैव नेवर इम्पोज्ड, यू हैव नेवर फोर्स्ड. मैंने कहा भैया मैं तुम मेरी बीवी हो इसलिए फोर्स करूं, ये तो गलत बात होगी. और मैं तुमसे क्यों हिंदी और उर्दू बुलवाऊं जब मेरे अपने मुल्क के लोग ही हिंदी और उर्दू भूल गए हैं. विदेशी से क्यों बोलूं जस्ट बिकॉज शी इज योर वाइफ? नो. सो कहने लगी कि कभी कुछ अच्छा शेर आ जाता है तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में, मुझे लगता है आप यूनिवर्सिटी में चपरासी की नौकरी मुझे दे सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में. मास्टर हो गया मैं ट्रांसलेशन के अंदर. उसको समझाना पड़ता है यार बैठ के, कब उसको बताना पड़ता है कि बैंगन हमारे यहाँ ललित शेफ है हमारा, कुक है, बच्चा खिलाता है हमको और पुष्पा. तो मैंने सुना एक दो साल पहले, तीन साल पहले की बात है, उन्होंने कहा ललित भैया के लिए बैंगन का भड़वा बनाओ. अच्छा बच्चे वो हंस दिए, फिरंगन को बिल्कुल समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है. फिर मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो अभी जाके बैंगन का बढ़ता बनाओ. आप दर भ नहीं बोल पाते हैं, भोली सी सूरत है, बोली भगवान. ये देखो देखो. सो मैं ट्रांसलेशन के अंदर बड़ा माहिर हो गया हूं. बहरहाल आपने कहा है तो एक दो गाने जो जहन में आ रहे हैं. जी, आज आपने कुछ गानों का जिक्र किया था. जी जी जी. देखिए वही बात है कि हम जैसे लोग जो है ना, हमारी देखो यही किस्मत लेके पैदा हुए हैं कि धन्नों की तरह नाचे जाओ और गाए जाओ. आप जरा दकीक उर्दू से निकलते हैं बाहर. वैसे तो मदन जी ने कंपोज किया था, आप जानते हैं इकबाल की रचना को कंपोज किया था, कभी है ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीन नयाज में, जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में. और चलते चलते एक बात जरूर याद रखिएगा, तीन चीजें बताऊंगा जो बिल्कुल हमारा आपको ओरिजिनल चीजें मिले. मैं खालिस आदमी हूँ, नकलची नहीं हूँ, खालिस आदमी मेरे पास जो है खालिस है और मुझे इस बात का बहुत नाज है. आम आदमी की उर्दू और कितनी इंप्रेसिव. जज्बात इजहार कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि ये श्रृंगार रस जो है वो उर्दू शायरी में क्यों है. श्रृंगार रस की उत्पत्ति, श्रृंगार अंग्रेजी वाले से इरोटिका बोलते हैं, इरोटिसिज्म की तरफ ले जाते हैं अंग्रेजी वाले, लेकिन श्रृंगार रस की उत्पत्ति अवंतिका पुरी की कंदराओं में राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक लिखकर की थी. वर्ल्ड ने श्रृंगार इंडिया से सीखा है. कैसे श्रृंगार आ गया आइए. सिंपल सिंपल आम जबान उर्दू की. अब से मैं मेरी जान मोहब्बत की है, आप चाहें तो मेरी जान भी ले सकती है. अब से मैंने मेरी जान मोहब्बत की है, आप चाहें तो मेरी जान भी ले सकती हैं. आप जब हैं तो मेरे साथ मेरा सब कुछ है, जान क्या चीज है ईमान भी ले सकती. आपसे मैंने मेरी जान
आपको मैंने मोहब्बत का खुदा समझा है। आप कहिए के मुझे आपने क्या समझा है, जिंदगी क्या है मोहब्बत की मेहरबानी है। दर्द को मैंने हकीकत में दवा समझा है। आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है। आप चाहें तो मेरी जान भी ले सकती हैं। अभी सेम म्यूजिक डायरेक्टर, सेम सेम शायर ने एक दूसरे आपको मैंने मोहब्बत का खुदा समझा है। चुरू से लेकर गाजीपुर से लेकर हाथरस से लेकर और मुंबई से लेकर फरीदाबाद से लेकर एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको यह भाषा समझ में नहीं आए। आपको मैंने मोहब्बत का खुदा समझा है, आप बतलाइए मुझे आपने क्या समझा है। जिंदगी क्या है मोहब्बत की मेहरबानी है। दर्द को मैंने हकीकत में दवा समझा है, दर्द को मैंने हकीकत में दवा समझा है। सेम शायर, सेम म्यूजिक डायरेक्टर, पिक्चराइज्ड ऑन अनादर एक्टर, लेकिन और ज्यादा पॉपुलर गाना। पिछले साल भी मैंने किया था, लेकिन इसका बताना चाहता हूं कि कितनी इफेक्टिव जबान है, कितनी असरदार है, जाके दिल पे लगती है। है दुनिया उसी जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी। दवा
मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। जी वो तो लता मंगेशकर ने गाया था, इकबाल की रचना है वो तो। लेकिन आपने पूछा था गायक कौन से पसंद है, तो उर्दू तो मेरा तो वन एंड ओनली मेहंदी हसन है। मैं उनका मुरीद हूँ मेहंदी साहब का, और उनको सुनते सुनते मैंने बहुत कुछ सीखा है। बोल बाट कैसी होती है, लफ्जों को कैसे फेंकना है अगर बंद लफ्ज है। सुनिए आप आज के शायरों को, ये जो हमारे लिखने लगते हैं, देखिए उनकी एक फेमस गजल है भाई, बता दीजिएगा टाइम कितना है यार, हम तो क्या है, हम तो पूरे 62 साल का खजाना है भाई, इतनी जल्दी तो है 62 साल का खजाना है, और उधारी के तजुर्बे नहीं है, खुद का है, निज का है। क्या बात है, समझे ना। एक होता ना उधारी का ले लिया तो चला जाता है। आपने किसी दरख्त के अगर फल खाए होंगे तो जल्दी चुक जाएंगे, लेकिन आपने तो बीज लगाया है और पेड़ पैदा किया है तो उसका फर्क हो जाता है। सो देखिए, जो थके थके से थे हौसले, वो शबाब बन के मचल गए। जो थके जो थके थके से थे हौसले, वो शबाब बन के मचल गए। वो नजर नजर से गले मिली, वो नजर नजर से गले मिली, तो बुझे चराग भी जल गए। जो थके, अब नेक्स्ट शेर सुनिएगा, वो शिकस्त दीद की करवटें भी बड़ी लतीफ हो जमील थी। वो शिकस्त दीद की करवटें भी बड़ी लतीफ हो जमील थी। मैं नजर बचा के निकल गया, मैं नजर बचा के निकल गया, वो नजर बचा के निकल गए। मैं हर शेर ऐसे स्टार्ट हो, दरे राम तरारे राम, ये जाता है। एक पर्टिकुलर शेर क्यों बोला मेहंदी साहब ने वैसे, जो खिले हुए हैं रविश रविश वो हजार हुस्न चमन सही। जो खिले हुए हैं रविश रविश, अब ऐसे देखिए दूसरी तरह, पहली तरह से बोलते हैं, जो खिले हुए हैं रविश 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 रविश। बंद लफ्ज है, बंद लफ्ज को बंद सुरों के अंदर करना पड़ेगा ना आपको। जीना भी क्या है जीना तेरी आंखों के बिना, वो नहीं हो सकता भाई। बंद लफ्ज को बंद लफ्ज की तरह है, ये शऊर ये एहसास ये इल्म आप जब उस्तादों को सुनेंगे तब आएगा। इसलिए जो उस्ताद हैं उनका एहतराम करिएगा। जो खिले हुए हैं रविश रविश वो हजार हुस्न चमन सही। जो खिले हुए हैं रविश रविश वो हजार हुस्न चमन सही, मगर उन गुलों का
जवाब क्या मगर उन गुलों का जवाब क्या जो कदम कदम पे कुचल गए जो थके थके से हौसले तो आपकी बात का जवाब दिया एक बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जैसे कहते हैं सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं नहीं मन कर रहा है आपके साथ शेयर करने का तो मैं जरूर करूंगा नेशनल स्कूल में पढ़ते हुए एक चीज देखिए जबान वैसे तो सिंबल है पानी वाटर आब वेल्लम जब हम पानी का केमिकल एनालिसिस करते हैं तो क्या पाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट और वो सब मिलाने के बाद H2SO4 मिलाने के बाद H2O बनता है हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलाकर एक ऐसा लिक्विड बनता है जो कलरलेस ओडोरलेस एंड टेस्टलेस होता है राइट लेकिन लफ्ज पानी में केमिकल का कोई भी इस तरह का तो कुछ है नहीं येट पानी वही है जो आपकी प्यास बुझाता है जीवन के लिए जल है तो कल है इसका मतलब है ये इमेजरी है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है एक सिंबल है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सिंबल है कि उसमें मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता हूं ए बैठ सुनिएगा ए बैठ मैं किस एक्शन को करने को बोल रहा हूं दैट यू मस्ट सिट डाउन राइट सुनिए बैठ जाइए एक्शन सेम है मैं आपसे बैठने का बोल रहा हूं लेकिन परसेप्शन अलग हो गया ना भाई ए बैठ बैठ जाइए ठीक है ना इसलिए जब भी कोई जबान बोले तो ख्याल रखिए इस चीज का भाषा संप्रेषण का कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मीडियम है संभाल के जबान चलाइए अनाप शनाप बयान ना बाजी ना कीजिए हाँ नहीं पता ही नहीं है खुजाते हुए यहां पे बोल दिया कुछ भी उठा के अरे तुमको मालूम नहीं तुम्हारे बाप को नहीं मालूम क्यों बोल रहे भाई सो मैंने जो पाया खोजा वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं हमारे बॉडी के जो रेजोनेटर्स हैं एक ये यहां का रेजोनेटर है एक ये है चाइनीज ये भी इस्तेमाल करते हैं और जापानीज फोक फॉर्म्स में कंधों को भी रेजोनेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे साउंड पुशअप करती है आती है तो साउंड बॉक्स से लेकिन यहां से साउंड पुशअप करती है सो ये रेजोनेटर 1 2 3 4 5 6 इस तरह का कुछ है सो मेरा ऐसा मानना है मैंने कुछ लोगों से बात भी की जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा बिल्कुल सही है बिल्कुल सही बोल रहे हैं अगर बंदा संस्कृत जाने अरबिक जाने और चाइनीज जाने तो दुनिया की 99% जबाने बोल सकता है वो क्या क्या देखिए सुनिए संस्कृत का उद्गम ये है देखिए जटाट विगल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलाम अवलंबित भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनादव डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिव यहां से चल रहा है यहां से चल रहा है अब आप देखिए जो पैलेट है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तस्बहुना अल खैर कुलाम वंदा बख ये यहां से चले कैफा अल हमदुल्लाह यहां से चलता है सर मैं एक्चुअली अरबिक बोल रहा हूं मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा यहां से बोल रहा हूं तो ये कवर हो गया ये कवर हो गया कुल अल्लाह वसद अल्लाह सबद लाम यलिद वलाम यलिद कुफ आने हद ये यहां से सब चलता है सो आपका ये टेरिटरी कवर हो गई अब ना ये टेरिटरी आई चाइना में जाइएगा आप तो मैं आप देखिए मेरे को भी नॉनवेज का बहुत शौक है लेकिन चाइना में अगर 5 दिन रह लिए मैं दावा करता हूं आगे आने वाले 3 महीने तक आप नॉनवेज नहीं खाएंगे कभी चाइनीज जो है ना वो यहां से बोली जाती है यहां से मेरे मुझे पूछना है आपको आप कैसे हैं नी हाओ मा क्या नी हाओ मा आप कैसे हैं आपकी वाइफ पत्नी कैसे नी हाओ मा हाओ पाओ नी थाई के चिला ये चाइनीज बोल रहा हूं आपसे और कुछ नहीं बोल रहा हूं वाईफाई का होना बहुत जरूरी है हर चाइनीज दुकान के ऊपर 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के काम करते हैं आपको बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो ट्रांसलिटरेशन जो है वो जरूर साथ में रखिएगा और एक सेंटेंस जरूर सीखे निहन प्याउलियांग क्या बोले निहन प्याउलियांग मतलब यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल निहन प्याउलियांग तो वो लड़की हंस देगी आपको थोड़ा सा लिफ्ट दे देगी आप समझ रहे निहन प्याउलियांग शशि वांगी अच्छा देखिए आप देखिए अब क्या है
कि आप कितने प्यार से, मुझे तुमसे मोहब्बत, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये है हर जगह को, हमको ये शीरी अल्फाज लगते हैं, लेकिन चाइनीज में आई लव क्यों बोलते हैं, वो आई नहीं अपनी अपनी जगह है। ये तीन भाषाएं याद रख लेंगे तो अब दो साउंड बाकी रह जाती हैं। सुनिएगा, मैं जश्न-ए-रेख्ता में ये देके जा रहा हूं आपको, मैं ये मेरी वसीयत आगे भी बढ़ाइएगा आप लोग। हाँ, अब दो साउंड बाकी रह जाती हैं और वो है फ्रेंच का ज, वो अपने पास नहीं है। ज इंग्लिश वाले कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्लेजर, टेलीविजन, ट्रेजर। अपने दिल्ली वाले पंजाबी जो हैं, ओ ट्रेयर माई मैयर एंड टेलीविजन वो प्लेजर है, ज जबान जो है ज। और डच जबान का एक लफ्ज है ई, ये पता नहीं कहां से निकलता है ई, ये डच, ये दो तीन साउंड रह जाती है। मैं अभी सुरिनाम गया था, मेहरबान दोस्तों अजीज मन, मैं सुरिनाम गया था। सुरिनाम में भोजपुरी लोग हैं, बसते हैं, और उनकी जबान जैसे उनको भी अजीब सा लगता होगा, क्योंकि हम लोग भी अपनी जबान बोलते बोलते अचानक इंग्लिश में जो शुरू हो जाते हैं, तो वो भोजपुरी के साथ जो डच बोलते हैं तो समझ में नहीं आएगा आपको, और उनकी जबान भी बिल्कुल अलग हो गई है। तो हमने कहा, हमारे जो ड्राइवर थे दिलीप भैया, हमने कहा दिलीप भैया कहाँ का हिल के जाए, अच्छा सुनो बॉडी हमारी बहुत दर्द कर रही, कोई है और स्पा है कि कल कोठा पर जाइएगा क्या उसको पता नहीं कि हम जो लोग हैं जो भारत में छूटते ही, उसने कहा कोठा पर जाइएगा क्या। अब ये लफ्ज जो है हम लोगों के लिए गाज गिरेगी यार उनको पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। एक डच एक लड़की से जान पहचान थी मेरी, तो वो मेरी राखी की सिस्टर, उनकी दुकान पे आई तो मैंने पूछा, अच्छा कैसी हो, अलका नाम था, कैसी हो, हाँ ठीक है। तो उनके साथ कुछ कोई लड़का था, अब भाई वजेदारी का तकाजा है, अखलाक हूँ कि मैं उससे तो नहीं पूछता, आपके हस्बैंड है बॉयफ्रेंड है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये आपके रिलेटिव है, ऐसा ही पूछना भाई, आज ही सवेरे गलती हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त गलती हो रही थी। एक बहुत नामी सिंगर मिला सामने, लड़की बैठी हूँ, मैंने कहा यार तू इंट्रोडक्शन तो करा, मैं समझा भाभी जी है, तो कहने भाभी जी नहीं मेरी सेक्रेटरी है, मैंने कहा बता तो दिया कर यार, थैंक गॉड मैंने कोई गलती नहीं की। सो मैंने समझदारी से काम लिया और मोहतरमा से पूछा, मैंने कहा अलका ये आपके रिलेटिव हैं, जवाब पता क्या, नहीं हम इसका 2 साल से रख लिए सर ये सी भाषा सही बोलो, सामने वाले को अजीब सा इंप्रेशन हो जाएगा। सो ये बातें चलती रहेंगी हमारे फिल्मी, देखिए समाज बदल गया है इसलिए जबान बदल गई है। अभी गीतकार रह गए हैं, पहले जो आते थे वो शायर होते थे, साहित्यकार होते थे, मजबूरी में गीत लिखने आ जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी क्लास बता जाते थे, ध्यान रखिएगा, और वो क्लास नजर आती थी, छोटी छोटी बातों के अंदर कहीं ना कहीं एक क्लास नजर आ जाती थी। बॉस आप कैसे ही गाना बता दीजिए, एक तो होता ना कि साहिर का गाना है, हाँ भाई साहिर का बड़ी भारी पोइट्री होगी, अरे आनंद बख्शी ने भी कमाल कमाल के छोटे 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 से गाने लिखे हैं। अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे जुमेरात को नाना आधी रात को, कहाँ वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, इतना ही था, इससे ज़्यादा बढ़े नहीं है आप समझे। अच्छा और कमाल की बात है कि जब वो उस दौर की जो नायिकाओं को देखता हूँ और वो शर्मा जाती हैं तो यार सही लगता है यार, नहीं तो है अभी की लड़की अभी की हीरोइन, अरे शर्मा तू इधर आ हट ये क्या करें, यही है सच कह रहा हूं आपको। तो जमाना बदल गया है, हम बदल गए हैं, हमारा देखने का नजरिया बदल गया है, कौन सी उर्दू कौन सी हिंदी, ना हिंदी बोलते हैं कोई ठीक ना उर्दू बोलते हैं। और सच बोलूं आपको, ये जो क्लेम करते हैं इंग्लिश बोलने वाले, ये इंग्लिश बोलना भी नहीं जानते हैं। अंग्रेजी कमाल की जबान है सर, समझे, अपनी तो जोरू की जबान है समझे आप, कमाल की जबान है। उस जबान में जो देखिए, अगर आपके देश ने दुनिया पर राज किया होता तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पंडित भीमसेन जोशी अलाप रहे होते। आप राज कीजिए दूसरों के ऊपर, हर विजेता अपना निशान अपना निशानी छोड़ के जाता है जिस मुल्क को वो जीतता है, उन्होंने जीता और वो छोड़ गए आपके ऊपर, और ऐसी मार छोड़ गए हैं आपके ऊपर, डलहौजी की नीतियां
डलहौजी के सबसे बड़े अगर शागिर्द हैं तो हम हिंदुस्तानी हैं। डिवाइड एंड रूल फॉलो करने में, लेकिन आज भी आप जैसे लोग हैं यहां तो कोई नहीं है ना, या क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो यही जो शायरी के नाम पर, उर्दू जबान के नाम पर जो संस्कृति है, जो लिटरेचर है, वही दे रहा हूं भाई। मैं यहां तो कुछ नहीं बता रहा ना। इस मंच के ऊपर हमारी ऋचा जी हैं, जफर भाई हैं, विवेक जी हैं, ये हमारे म्यूजिशियंस देखिए पिछले साल भी थे, हम लोग हैं, हमारे पास तो यही है, यही दे सकते हैं सर हम। सॉरी, हमारे पास बहन सनी लियोनी नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है, हमारे पास तो यही है। लेकिन आप ये जानते हैं कि हमारे पास ये है, फिर भी आप सुनने आए हैं, तो तारीफ तो आपको मिलना चाहिए क्या सर? तो आपने अपनी क्लास बता दी कि यार हम तो नहीं जाएंगे वहां पर, कोठा पे जाइएगा नहीं जाएंगे हम, यहां पे जाएंगे। फिल्मी गाने में कमाल की पोइट्री लिखी गई है, कमाल के गाने लिखे गए हैं, अब नहीं लिखे जा रहे, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्यों नहीं लिखे जा रहे? जी, इक्का दुक्का भूला भटका एक कोई गाना आ जाता है तो पता लगता है कि वो भी किसी गाने से मुतासिर है। मुतासिर होना गलत बात नहीं है, लेकिन बार बार आप मुतासिर होते रहेंगे तो मुतासिर नहीं, वो चोरी हो जाती है। मुझे इतने साल में, अगर गुजरे हुए कोई 15 साल में कोई गाना, देखिए गाने का तो मेरा काम है, रोजी रोटी मेरी उससे चलती है, मुझे कोई गाना समझ में आया तो एक वो फिल्म है, मैं तो फिल्में देखता नहीं हूं, मैं वो कौन सा गाना है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ये गाना। और इक्का दुक्का ऐसे गाने आ गए कि जहां इंजॉयमेंट के साथ कुछ बात हो रही है, लेकिन आप बता दीजिए पुराना कोई भी गाना आप उठा लीजिए उसमें कुछ बात है। गाने तो सब गा देते हैं यार, ना गाने वालों से गाना गवाए कलाकार तो वही है। ये भी एसएच बिहारी हैं, जब शोज होते हैं हमारे अमेरिका में, विदेशों में जाते हैं, ये कभी मत भूलना भाई कि ये अपना जो वतन है, अपना देश है, कैसा भी है लेकिन देश अपना है। मेरा ना कोई मजहब है ना धर्म है, मेरा धर्म केवल मेरे देश, मेरी भारत माता है। और याद रहे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, इसलिए आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखिएगा। तन रबाब मन कींगरी और रगे भई सब तार, म्यूजिक के लिए आप ताज्जुब करेंगे कितना ही किसी ने कहा हो हराम है म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक सर चढ़ के बोलता है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट दैट सर्फिटिंग द एपेटाइट मे सिकन एंड सो डाय। बड़ा फेमस लाइन है 12th नाइट की, स्कंद पुराण में पिछली बार भी मैंने बोला था। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। अरे बाबा बाबा क्या है यार म्यूजिक। तन रबाब मन कींगरी और रगे भई सबतार, ये रोम रोम सुर देते हैं सो बाजत नाम त्यार। ये लिखा है आपकी कंट्री में, लिखा है म्यूजिक के बारे में। मेरे इशारे का वेट कीजिएगा, देखिए हो सकता है यहां पर ये मौजजा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, ये मौजजा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। और वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। ये है उर्दू पोएट्री। जब मैं आपसे गाने का बोलूं तभी गाइएगा, मैं वो आदमी नहीं हूं कि ताली बजाओ हा हो मर्जी हो, लेकिन उसके पहले ना ताल दीजिएगा। देखिए कॉन्सेंट्रेशन करने का कैसे है, आप अपने ख्याल को एक जगह के ऊपर लगा देते हैं, एक जगह मरकज बन जाता है आपका, आप इसी जगह, इसको ही शायद इबादत कहते हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। जब मैं कहूंगा तब गाइएगा, हो सकता है मौजजा कुछ आ जाए, चमत्कार हो जाए। ठीक है, ओके, रह जाए।
सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी, बरसों से खिजा का मौसम था, बरसों से खिजा का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा माचल आया तो बहार आई, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ए जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों ना बने पागल, क्या ऐसी अदा पाई। बादल सा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। बिलीव यू मी आई हैव नॉट डन एनीथिंग। मैंने तो मैंने कुछ नहीं किया। आप सही रास्ते पे निकले तो रिजल्ट ही आ गया। आपने एका बताया तो रिजल्ट ही आ गया। मैंने क्या किया है? हमेशा ऐसा ही होगा।
अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाए हमारे अंदर, थोड़ी सी ईमानदारी आ जाए, बस फिर क्या है? हाँ। फिर क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत खूब आएगा ये। आज जो भी जितने तादाद में लोग यहाँ पे हाजरीन हैं, इनकी क्लास बता रही है, मैंने वापस ये कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है और ये यकीन है कि इतने प्यासे लोग जब बैठे हुए अच्छा सुनने के लिए, तो आपको आबे जमजम ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे तो वो चाहिए, तो वो भी हिंदुस्तान में वो भी मिलता है, बहुत तादाद में मिलता है। अनु कपूर जी से जितनी बातचीत की जाए कम है, मुझे लगता है मेरे तो अभी सवाल खत्म नहीं हुए, बहुत सारी बातें, शायद किसी दिन ओवरनाइट करना पड़ेगा जश्न रेखता में, वरना यही कहेंगे हम अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। लेकिन एक मिनट, वक्त की मजबूरी है, हमें इस महफिल को अंजाम तक तो पहुँचाना है। चाहूँगी भर दे झोली, यूट्यूब पर बहुत लोगों ने शायद सुना भी होगा नातिया कलाम, उसी से हम आज की ये महफिल अंजाम पर पहुंचा है। जरूर जरूर। ख्वातीनों हजरात, हम्द का मतलब होता है इन प्रेज, हम्द प्रशंसा, प्रस्तुति, प्रशस्ति, उसको हम किसी भी नाम से जाने, वो नाम देते ही गड़बड़ शुरू हुई है असल में। आप देखिए नाम है, गड़बड़ शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी जब भी प्रशस्ति पड़ी गई है, हम्द जो है वो जनरली परवरदिगारे आलम के लिए होती है, लेकिन नातिया जो कलाम है, नातिया वो प्रॉफिट की शान में पढ़ा जाता है, प्रॉफिट की शान में जो पोइट्री होती है उसको नातिया कलाम कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मजहब का जो मरकज है जहां से वो आया है, सऊदी अरेबिया से, जहां तक मेरी नॉलेज है वहां नातिया कलाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नातिया कलाम का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदुस्तान में। लखनऊ में पिछले साल शूटिंग कर रहा था, कुछ लोग आ गए, पूछा उन्होंने, सर ये उर्दू और हिंदी को लेके मजहब के साथ जोड़ लेते हैं? मैंने कहा हाँ जोड़ते हैं भाई, किसी के साथ भी जोड़ लो, उससे क्या होता है। लेकिन मैं तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो इसलिए मैं बात पूछता हूं आपसे, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने अपना नाम बताया, मैंने कहा क्या है? हिंदुओं से। अच्छा ठीक है। मैंने कहा हिंदू के आधार ग्रंथ जितने हैं क्या हैं? गीता हैं, सबसे पहले तो प्रथम चार वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, कठोपनिषद है, पुराण हैं, यही हैं। इनमें से कोई भी हिंदी में लिखा गया क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, संस्कृत में लिखे गए हैं। इस्लाम, बेसिकली इस्लाम जो मजहब है वो पांच किताबों के, अहले किताब जिसे हम बोलते हैं, उनके ऊपर आधारित है। कुरान पाक, कुरान मजीद, अल शरिया, अल हदीस, सही बुखारी और तफसीर, ये पांच किताबों, इनमें से कोई किताब उर्दू में लिखी गई है क्या? बराए मेहरबानी मुझे बताइए। नहीं लिखी गई, अरबिक में। हम जब कहते हैं बरे सगीर, ये 70 साल पहले जो भी बेवकूफियां हुई हैं हो, वो चलिए रो रो रहे हैं उसके लिए हम लोग, वो भी रो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो हमसे ज्यादा रो रहे हैं। वो अगर हम कहते, ये सब कॉन्टिनेंट के अलावा, मेहरबान दोस्तों, क्या उर्दू जबान पूरी दुनिया में कहीं बोली जाती है? इसलिए प्रॉफिट की शान में नातिया कलाम जो उर्दू में बना है, ऐसा किसी भाषा में बना भी नहीं है। मैं बता, ये यहीं पर है, ये यहीं पर है। भारतवर्ष का वो चमत्कार था दोस्तों, के प्रॉफिट के नवासे ने कहा था, ए कूफा वालों, अगर तुम्हारा जबर जारी रहा तो मुझे कहीं हिंदुस्तान की जानिब कूच ना करना पड़ जाए। ये रेपुटेशन थी सर आपकी कंट्री की। हमारी कंट्री में कितनी ही बुराइयां हों, कितनी ही बुराइयां हों, लेकिन हमने सच्चे साधु संतों को मान दिया था। आसाराम ने और राम रहीम ने आके वाट लगा दी, वो अलग बात है। वो अलग बात है, लेकिन हमने हमारे देश के अंदर किसी को, किसी संत को, ऋषि को, जो सही माने में, उसको फांसी और सलीब पर नहीं चढ़ाया जाता। यहां तो पलके बिछा के हम स्वागत करते हैं। यह है हमारा मुल्क और उसका बेसिक स्वरूप ये है, इस स्वरूप को कायम रखना है। इसको करते हुए मैं आज का ये प्रोग्राम, यूं तो
क्रेडिट देना पड़ेगा साबरी ब्रदर्स को, इसमें गुस्ताखी माफी चाहते हुए दो चार बंद मैंने बचपन में, एक कव्वाल थे नूर कव्वाल, वो हमारे बाबूजी की कंपनी में गाया करते थे, तो उनके बंद उनको याद नहीं होंगे, मुझे याद हैं, उसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप सुनिए। Annu गुलाब जिस तरह खुश रंग है सारे फूलों में, गुलाब जिस तरह खुश रंग है सारे फूलों में, उसी तरह से मोहम्मद है सब रसूलों में। सखा बनकर अता बनकर वफा बनकर खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफा बनकर, तो भर दो झोली मेरी भरी, दादरा भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, बन के आया हूँ दर पे सवाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, बन के आया हूँ दर पे सवाली, भर दो झोली है तो ब्लैक, नाम था हजरत बिलाल, प्रॉफिट को उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, और जब आदमी महान होते हैं तो उनके साथ बहुत सारे किस्से जुड़ जाते हैं। एक दिन हजरत बिलाल की तबीयत खराब थी, तो ऐसा कहते हैं अजान ना दे पाए तो सूरज नहीं निकला, तो यहां पर वफात के बाद प्रॉफिट का नवासा हजरत बिलाल से कह रहा है, नाना गए कि तुम भी चले जाओगे बिलाल, नाना गए तुम भी चले जाओगे बिलाल, नाना गए कि तुम भी चले जाओगे बिलाल, नाना गए कि तुम भी चले जाओगे बिलाल, मुझको अकेला छोड़ के न जाओ तुम बिलाल, अकेला छोड़ के ना जाओ तुम बिलाल, बोले बिलाल मेरी अदा में मजा नहीं, मेरी नाज मेरी अदा में मजा नहीं, बोले बिलाल मेरी अदा में मजा नहीं, जब सुनने वाले मेरे रसूले खुदा नहीं,
जब सुनने वाले मेरे रसूले खुदा नहीं, जब सुनने वाले मेरे रसूले खुदा नहीं, हे जब सुनने वाले मेरे रसूले खुदा नहीं, 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 तो आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना अल्लाह, आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ान थी अज़ाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ान थी अज़ाने बिलाली, भर तो झोली वाकया करबला था। करबला इराक में, एक तरफ यजीद की फौज है, दूसरी तरफ नबी का दुलारा है, स्वाभिमान के लिए, अपने हक के लिए। देखिए ये यजीद है, ये इमाम हुसैन है। यजीद बोला मैं हाकिम हूँ जब्र करता हूँ, 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 हुसैन बोले मैं सैयद हूँ सब्र करता हूँ, हुसैन बोले मैं सैयद हूँ सब्र करता हूँ, यजीद बोला मैं सबको खिलाफ कर दूंगा, 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 हुसैन बोले मैं सबको मुआफ कर दूंगा, हुसैन बोले मैं सबको मुआफ कर दूंगा, यजीद बोला इधर पर्चियां हैं भाले हैं, बोले इधर सर कटाने वाले हैं, हुसैन 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 बोले बचाली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीने हक की बचाली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीने हक की बचाली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर तो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली या मोहम्मद, लौट
सुकून के साथ, सब्र के साथ आपने हमें मौका दिया। मैं सलाम करता हूं आप सबको, आदाब करता हूं, प्रणाम करता हूं और दोनों हाथ जोड़ के यही इल्तिजा है कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखा मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, मस्ती के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, मस्ती के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के, तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद, वंदे मातरम।